स्वस्थ और सुखी रहने के लिए जरूरी है कि माँ और उसका परिवार सही प्रकार से भोजन करे। खानों के तीन मुख्य समूह होते हैं जिन्हें हमें रोज खाना चाहिए। पहला समूह है प्रोटीन, जिसे हम निर्माण खाद्य भी कहते हैं। ये खाद्य हमारे शरीर के विकास और उसकी मरम्मत में काम आते हैं। खाद्यों का दूसरा समूह है ऊर्जा देने वाला समूह या कार्बोहाइड्रेट। ये खाद्य हमें चलने फिरने, सोचने, खेलकूद और सक्रिय रहने के लिए ऊर्जा या शक्ति देते हैं। अंतिम समूह रक्षक खाद्य का होता है, जिसमें फल और सब्जियां आते हैं। ये खाद्य हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। इस वीडियो में हम पहले समूह यानी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन युक्त खाने हमारे शरीर को ताकत देते हैं और हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों को स्वस्थ रखते हैं। भोजन में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन खाने से बच्चे के शरीर का विकास अच्छा होता है, बच्चा तंदुरुस्त और हंसमुख रहता है। प्रोटीन से भरपूर खानों के उदाहरण हैं दालें, राजमा, छोला, चना, मूंगफली, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर और अंडे। इसके अलावा मुर्गा, मछली और मांस में भी प्रोटीन होता है। आप देख सकते हैं कि प्रोटीन तरह तरह के खानों में पाया जाता है। कई शाकाहारी खाने जैसे दाल और विभिन्न प्रकार की फलियां प्रोटीन से भरपूर होती हैं। ये सभी खाने सस्ते होते हैं और इन्हें प्रतिदिन खाना चाहिए। मांसाहारी खाने जैसे मछली, मुर्गा, मांस और अंडों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, पर ये ज़्यादा महंगे होते हैं और इन्हें रोज़ नहीं खा सकते। अंडे ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं और उन्हें लगभग रोज़ खाया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए सही मात्रा में प्रोटीन खाना और दूध पीना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन खाने से माँ के अंदर पल रहे शिशु का विकास अच्छा होता है। शिशु के जन्म के बाद माँ का शरीर जल्दी ही पहले जैसा स्वस्थ और मजबूत बन जाता है। माँ के दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह ज़रूरी है कि दूध पिलाने वाली माताएं प्रोटीन युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में खाएं। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि निर्माण खाद्य यानी प्रोटीन माँ, बच्चे और पूरे परिवार को ताकतवर और स्वस्थ बनाने के लिए कितने आवश्यक हैं।